इस समय विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई और दिल्ली के बीच में खेले गए मैच में पृथ्वी शॉ ने एक शानदार शतक जड़ा। पृथ्वी शॉ ने अपनी पारी में 87 गेंदों का सामना करते हुए 103 रन बनाए। अपनी इस पारी में पृथ्वी शॉ ने 2 छक्के और 15 चौके लगाए। आपको बता दें, पृथ्वी शॉ इस समय भारतीय टीम से बाहर हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए पहले टेस्ट मैच के बाद से ही उनका चयन भारतीय टीम में नहीं हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज में भी उनका नाम शामिल नहीं किया गया था। पृथ्वी शॉ ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और दिल्ली के खिलाफ एक बेहतरीन पारी खेली है। पृथ्वी शॉ की इस पारी की बदौलत मुंबई की टीम ने दिल्ली पर शानदार जीत हासिल की है। IPL में पृथ्वी शॉ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। दिल्ली की टीम के लिए यह एक बेहतरीन खबर साबित हो सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी, पृथ्वी शॉ IPL 2021 में कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं। आपकी राय में पृथ्वी शॉ को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि क्रिकेट से जुड़ी हर एक खबर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी।